अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लाइफ। प्यारे बच्चों, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसको फिर से दोहराएंगे। तो क्या है? गुजरती हुई हवाई हवा संसार की मुख्तलिफ चीज़ों जैसे तारे, चांद, बादल, समंदर, ज़मीन और एक छोटी सी लड़की से सवाल पूछती हैं। क्या पूछती है कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी के बारे में हर कोई अपनी अपनी राय लेके आगे आता है। तो पहले किससे हवा किससे पहले पूछती है? पहले ये विंड से पूछती हैं, तो फिर इसके बाद हवा मून से पूछती है, फिर ओशन से पूछती है। तो चलो बच्चों, आगे हम आज पढ़ेंगे। तो फिर हवा बादल के पास पहुंचती है। द विंड, व्हाट इज लाइफ फॉर यू? द क्लाउड, वेरी क्विकली, व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट माय लाइफ इज ओनली दिस मच, दैट व्हेन इट रंबल्स, इट ओनली रंबल्स बट डजंट रेन। हवा, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या है? बादल, बड़ी तेजी से, जो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ पाया हूँ वो सिर्फ इतना है कि जब गरज होती है तो सिर्फ गरज ही होती है, कुछ बरसता नहीं है। बट वैन इट रेन्स, इट लॉसेस इट सेल्फ एंड गिवस अवे इट इज बींग इन्जॉय एंड सेल्फ एबेंडन। लेकिन जब ये बादल बरसता है तो ये खुद को खो देता है और अपने वजूद को खुशी और खुद सुपर्दगी में दे देता है। बट इट मस्ट नो वेयर टू रन, द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम इन द रेस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द पैरेचर सॉइल। फॉर मी द रियल लाइफ इज टू रन ऑन हिल्स विच आर इन डायर नीड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लेकिन इसे समझना होगा कि इसे बारिश कहाँ बरसानी है, प्यासी ज़मीन के लिए सही जगह और सही वक्त पर। मेरे लिए असल ज़िंदगी पहाड़ों पर बारिश बरसाना है जिन्हें बहुत ज़रूरत होती है। बच्चों, बादल हवा से बोलता है कि मेरे लिए ज़िंदगी, मैंने क्या समझ रखा है ज़िंदगी को, सिर्फ इतना है कि जब गरज होती है तो सिर्फ गरज होती है, कुछ बरसता नहीं। लेकिन जब ये बादल बरसता है तो ये खुद को खो देता है और अपने वजूद को खुशी और खुद सुपर्दगी में दे देता है। लेकिन इसे समझना होगा कि इसे बारिश कहाँ बरसानी है, सही प्यासी ज़मीन के लिए सही जगह और सही वक्त पर। हाँ, अब हवा चुपके से नीचे ज़मीन पर उतर आती हैं। अब ज़मीन से पूछती हैं, द विंड, टेल मी व्हाट्स लाइफ, द अर्थ, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दीज मैटर्स। हवा ज़मीन से पूछती है, मुझे बताओ ज़िंदगी क्या है? तो ज़मीन क्या बोलती है, तुम इन मामलों में क्यों पढ़ रहे हो? दे विल मेक यू मैड, वो तुम्हें पागल बना देंगे। बट सिंस यू हैव आस्क्ड लिसन, लेकिन चूंकि पूछा है तो सुनो। फॉर मी लाइफ इज लव, मेरे लिए ज़िंदगी मोहब्बत है। द फ्लो ऑफ अफेक्शन विच दीज numerous leaves are drinking, these spots springing from me have to grow and give flowers and fruits. वो मोहब्बत का भाव जो ये अनगिनत जानदार पी रहे हैं, कोंपले जो मुझसे निकल रही हैं, इनको बड़ा होना है और फूल और फल देते हैं। जो अभी पानी मुझे बादलों, नदियों और दरियाओं से मिलता है। वॉट एवर वाटर आई गेट फ्राम द क्लाउड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, आई स्टोर इट इनसाइड मी इन प्योर
trust and distribute it among the thirsty. जो अभी पानी मुझे बादलों, नदियों और दरियाओं से मिलता है उसे पूरे यकीन के साथ अपने अंदर इकट्ठा कर लेता हूँ और प्यासे लोगों में बांट देता हूँ. Thus for me this taking and giving is true life. To me the sentiment of ममता is a boon. इसलिए मेरे लिए ये लेन और देन ही सच्ची ज़िंदगी हैं. मेरे लिए ममता का जज्बा एक अतिया है. अब तक हवा थक चुकी हैं और कुछ उलझन में भी पड़ गई हैं. वो कुछ माने निकालती हैं उन चीज़ों पर गौर करते हुए जो इसे समझ नहीं आती थी और इन्हें बोलने की कोशिश करती हुई जो इसे समझ नहीं आई थी. जब उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो काफ़ी खूबसूरत और मासूम ज़ाहिर होती हैं. नए दियों को जला रही है उस जलते हुए दीपक से जो इसके हाथ में है. तो बच्चों, हवा ने बारी बारी होकर सबों से पूछा कि हवा ये ज़िंदगी क्या चीज़ है. तो अब वो लास्ट पे एक नन्ही सी लड़की के पास पहुंचती हैं. तो इस क्लास को हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे.